हूँ पहले से ज्यादा वोट बढ़िया है, इसलिए हमारा आकलन यही है कि पहले से ज्यादा मार्जिन आएगा। बाजार के अंदर ना बर्फी बच्ची ना लाडू बच्चा सारा उतर की चौधरी धर्मवीर सिंह को तोलने के लिए रोड के ऊपर ये लोग आए हैं। नमस्कार, मैं आपका दोस्त विनोद शर्मा। फिलहाल आप देख सकते हैं ये स्थिति बीजेपी की है और आज ये जनसैलाब जो है वो बाजार में फूट पड़ा है बीजेपी का। लोगों को आह्वान है वोट डालने के लिए। तो फिलहाल क्या कहेंगे, अध्यक्षता आज आप ही कर रहे हैं मुकेश गौड़ जी जिला अध्यक्ष के तौर पर? नहीं, यहाँ पर जो है ना पार्टी का सारा शीर्ष नेतृत्व सामान्य नीचे तक का कार्यकर्ता अपना प्रमुख तक का यहाँ पर है। विधायक जी हमारे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जी हैं, सुबह वित्त मंत्री जी हमारे साथ थे, मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते हूँ ही, हमारे सभी मंडलों के अध्यक्ष यहाँ हैं। धर्मवीर आप देख रहे हो, वीरेंद्र कौशिक जी, मीना जी, ठाकुर विक्रम सिंह जी हमारे महामंत्री, हर्षवर्धन हनुमान जी पार्टी का अपने ये नवीन गोयल जी के नेतृत्व में आपने देखा नवीन गुप्ता जी कितने शानदार इन्होंने कार्यक्रम करवाए नगर के अंदर। टोटल इन लोगों माहौल क्या है, माहौल माहौल आपने देखा, हजारों लोग इस रोड शो के अंदर उमड़े हुए हैं। आप देखो 40-45 डिग्री टेम्परेचर, एक बार कैमरा ऊपर घुमा के दिखा भाई, और ये 25 के आसपास स्थानों पर लोग पूरा शहर आज तो लड्डू खा की होत ज्ञान कितना खुआओगे, पूरे शहर का शुगर का लेवल हाई है। बाजार के अंदर ना बर्फी बच्ची ना लाडू बच्चा सारा उतर की चौधरी धर्मवीर सिंह को तोलने के लिए रोड के ऊपर ये लोग आए हैं। उनका इंतजार नहीं, पहले लड्डू बंटवा दिए। हाँ, पहले लड्डू बंटवा दिए, 4 दिन की जरूरत ही नहीं, क्योंकि लोगों में जो जुनून है उत्साह है उसको देखते हुए जीतते हैं। पिछली बार 4.5 के मुकाबले अब की बार 5.5 से जीते। अच्छा, हाँ जी, निश्चित तौर पर। आप देखो क्या कहें जी, क्या कहेंगे फिलहाल कौशिक जी, क्या कुछ माहौल लग रहा है, जनता और शहर का कितना प्यार? देखो पूरी के पूरे हरियाणा के अंदर 10 की 10 सीटें पिछली बार भी आई थी और अब की बार भी आएंगी। 4.5 लाख के लगभग पिछली बार जीते थे, उससे ज्यादा मार्जिन से जीतेंगे। चुनाव जब होता है ये हमेशा लगता है कि चुनाव के अंदर दूसरा कैंडिडेट आएगा तो फाइट है, कुछ ना कुछ लोग ट्रेवल कुछ बातें करती हैं, लेकिन वो उनके पास कोई चीज नहीं है जो लोगों के बीच में जा सके। हमारे पास नरेंद्र मोदी जी हैं जो लोगों के बीच में लेके जाने लग रहे हैं, उनका देश के तरक्की को लेके जाने लग रहे हैं। तरक्की के अंदर कोई बाधा नहीं बनना चाहता, सब लोग देश को दुनिया के पटल पर आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक बार दिखा दें प्रदीप, देखिए किस तरीके से कांटे से वजन फूलमालाओं से लाभ दिया गया है प्रत्याशी बीजेपी के धर्मवीर सिंह से। बात करें तो फिलहाल विनोद चावला जी क्या कहेंगे, क्या स्थिति है नगर में, आप भी हैं? जिंदगी की बात यह है कि आप देख रहे हो किस तरह से जनसभा उमड़ रहा है और जगह जगह बाजार के अंदर व्यापार प्रकोष्ठ के द्वारा और जो और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगभग 35 जगह जो है लड्डुओं से तोला गया, और इस तरह से जोश जो है हमने पहले कभी किसी चुनाव में कितना झोटा मारने वाला है। शहर इस बार भिवानी शहर लाख वोटों की लीड देगा और ये रिकॉर्ड की बात होगी, भिवानी विधानसभा पूरा टॉप रहेगा हर तरह से। जी क्या रहने वाला? ऐसा है कि व्यापारी वर्ग के अंदर उत्साह है। 2014 के बाद में सांसद महोदय के नेतृत्व में भिवानी के अंदर विकास की एक बार बही है। मैं व्यापारियों की बात करूँ, गुंडा राज खत्म हो गया, सेल टैक्स इनकम टैक्स के लिए व्यापारी डरा रहता था। इस बार व्यापारियों में इतना उत्साह है कि 100% वोट भारतीय जनता पार्टी को जाएगा और भिवानी विधानसभा से इस बार व्यापारियों ने प्रण लिया है कम से कम 1 लाख वोटों की लीड देके चौधरी धर्मवीर सिंह जी को जिताएंगे। व्यापारियों पे जीएसटी का बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कि कांग्रेस और विपक्ष घेरता है, बोला जीएसटी तो बड़ा वो फैसला थोप दिया गया था व्यापारियों के लिए, तो छोटे व्यापार भी खत्म हो गए थे फिर भी वोट। दुनिया भर के टैक्स जीएसटी से पहले लगे हुए थे, मोदी जी ने एक टैक्स लगाया जीएसटी और उसका सरलीकरण किया, व्यापारी वर्ग खुश है। आप हर जगह देख रहे हो, कहीं भी देख लो भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्त व्यापारी है। रही बात विपक्ष क्या बोलता है, मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, 2014 से पहले व्यापारी डरा रहता था, व्यापारी को हमेशा इनकम टैक्स का, व्यापारी को हमेशा सेल टैक्स का डर रहता था। इस व्यापारी जो है वो भारतीय जनता पार्टी। लाल धर्मवीर जी क्या कहेंगे, क्या स्थिति है शहर में, क्या आकलन निकल के आया? शहर का नहीं, सारे देश का आकलन है। देश का हर आदमी चाहता है कि मोदी जी इस देश को 2047 तक विकसित देश बनाए। दूसरे दल किसी से पूछ के देखो तुम्हारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, केवल बीजेपी का एक इनारा कि हमने देश को आगे बढ़ाना, दूसरी पार्टियां कि हमने डिस्टर्ब करना, देश डिस्टर्ब नहीं चाहता, शांति से देश को आगे बढ़ाना चाहता। लेकिन अपने घर से शुरुआत होती है और घर में आज घूमे हैं आप, शहर में क्या माहौल है? हमारे लिए सारा घर अपना है, अगर नरेंद्र मोदी जी के लिए सारा अपना परिवार है, हम सब मोदी जी के सिपाही हैं। क्या कुछ रहने वाला है पिछला, जो आपका परिवार की बात करें 6 लाख का मार्जिन की बात करता है क्या? ये मान के चलता हूँ पहले से ज्यादा वोट बढ़िया है, इसलिए हमारा आकलन यही है कि पहले से ज्यादा मार्जिन आएगा। फिलहाल अब बात करें और विक्रम जी हैं हमारे साथ, फिलहाल विक्रम जी क्या स्थिति रहने वाली? बहुत बढ़िया स्थिति है, पिछली बार 4.5 लाख में जीते थे, अब की बार 6 लाख में जीते हैं। कम से कम आप शहर का माहौल देख रहे हो, सारा शहर खड़ा है, सारा शहर साथ साथ चल रहा है,
बहुत ही बढ़िया माहौल है, जीत पक्की है, 400 पार, अब की बार 400 पार। अच्छा भाई साहब, क्या स्थिति रहने वाली है? स्थिति बड़ी अच्छी है, पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है, और 400 पार नहीं, आप जो जोश देख रहे हैं, उत्साह देख रहे हैं, उससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि भी कितना जोश है लोगों में। पानी से लीड बढ़ेगी 50,000 की, 50,000 की कम से कम। फिलहाल देख सकते हैं क्या स्थिति रहने वाली चला जी। देखिए पहले 4,44,000 कुछ वोटों से जीते थे, आपकी बार जो है उम्मीद है कि 6,00,000 अधिक वोटों से जीतेंगे हम लोग। अच्छा, और आप देख रहे हो कि सड़क पे जो है पाव रखने की जगह नहीं है, सबका साथ सबका विकास। ये भाई व्यापारियों में आए हैं तो कांटे से वजन करके देखेंगे कि अपना प्रत्याशी कितना वजनदार है। जी, अगर वजनदार रहा है प्रत्याशी के वजन की अगर हम बात करें तो आज धर्मवीर जी के इतना वजन की अब की बार 6,00,000 पर भिवाड़ी में लोकसभा से धर्मवीर जी के लिए पसीना बहा है, वो काम आएगा, वोट बढ़ेगा, वोट। हम तो जी धर्मसेना टीम से है, हम तो सदाई सेवा में रहे हैं। अच्छा। सामाजिक संगठन है जी हमारा, सदाई सेवा में रहेंगे, सदाई हैट्रिक लगाएंगे। हाँ बिल्कुल लगाएंगे जी, जीत पक्की, 6,00,000 पार, और पूरे देश में 400 पार, 400 पार, हर मोदी कर घर मोदी। भाई साहब सबसे बड़ी बात है युवाओं को नौकरी मिलना, जो बच्चे पढ़े हैं उनको नौकरी मिली है, हकीकत है नौकरी। हर गांव से 6 से 7 बच्चे, हर गांव से, हर कस्बे से लगे हैं, वो वोट पक्का मोदी जी को घेरेंगे, निष्पक्ष सरकार को। नहीं तो पहले रोहतक में लगते थे, 472 पोस्ट थी, 300 लोग रोहतक के लगे, हमारा कोई नंबर नहीं आया, और अब की बार हम सब। जय श्री राम, जय श्री राम का नारा चल रहा है। बहुत बढ़िया स्थिति है, आप देख रहे हो आज पूरा रोड शो, लगभग 1 किलोमीटर का लंबा रोड शो आज भिवाणी में जो भाई धर्मवीर जी के पुष्कर में निकाला गया है, ये एक जीत का आगाज है, और मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए, और भाई धर्मवीर का तीसरी बार सांसद बनने का आगाज है। और आपको लग ही रहा होगा कि अब की बार वास्तव में 400 पार। कांग्रेस वालों का देखें हम अगर इस तरीके से रोड शो, तो वो भी यही बात कहते हैं, वो भी करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपने भिवाणी में रावदान सिंह जी का रोड शो देखा था, उसका दोनों का आप कंपैरिजन करो, मुकाबला करो, वो इससे आधे से भी कम रोड शो था, ये आपने भी देखा था। अब उससे तीसरे चौथा नंबर पे जाएगा कोई जगह जो, हाँ दूसरे पे कौन आओगा, सबको तीसरे दूसरे पे कोई आओगा, वो आओगे पहला पे आवाएंगे, मोदी मोदी की सरकार बनेगी, लेकिन पूरी नहीं बनेगी तो मोदी ने जो होगा जी। भाई ये कमाल है, बीजेपी का की किसी को दूसरा नंबर भी लेने नहीं दे रहे, ये लोग चाहते कि दूसरा तीसरा नंबर भी इनका है। फिलहाल अध्यक्ष साहब है और पीछे भीड़ देख सकते हैं, और ये भाई देखिए जिस तरह से ये लोग हैं, पिसाई के लिए जा रहा था लेकिन फंस गया जिन सैलाब में, ये जो फिलहाल है रोड शो निकल रहा है बीजेपी का। अब की बार बहुत कंपटीशन है, धर्मवीर को जोर होगा जीतने में। हाँ, और आप इनके लिए वोट मांग रहे हैं? ना, हम तो पूरे पब्लिक। हाँ अच्छा, बस कंपटीशन है, अभी बढ़ेगा मोदी सरकार। अब की बार 400 पार, फिलहाल देख सकते हैं। 400 पार मोदी, मोदी आएगा 400 पार करेगा जी। तो फिलहाल देख ले भाई, पीछे तक एक काफिला है, रोड शो है, और शहर के संकर माँ बेटिया ने कांग्रेस का मठ मार दिया। अच्छा। मैं कौन ही कांग्रेस में है, इन सारी संस्कृति मारी खत्म कर दी। फिलहाल भाई दबा के वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद। और कमेंट में अपनी राय रखे कि 400 पार का दावा कहाँ तक सिद्ध होता आपको नजर आता है, शहर में लोग आ जा रहे हैं, और इस तरह से भाई तो मेरे हिसाब से कंपटीशन है भाई साहब, पूरा कंपटीशन है, कांग्रेस भी कम नहीं है जी, ये बता दूं। फिलहाल वीडियो को शेयर करवाए, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।